भारतीय कुश्ती के गिने चुने नामों में अपना वर्चस्व कायम करता एक नाम राजीव तोमर। मेरा नाम राजीव तोमर है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट बागपत से। मेरा गांव मलकपुर है जो कि बड़ौद के पास है, और मैंने 120 किलोग्राम में बीजिंग ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। यूपी के छोटे से गांव में जन्मे राजीव तोमर ने अपने खेल जीवन की शुरुआत सन 1990 में दिल्ली के जाने माने अखाड़े यानी गुरु हनुमान अखाड़े से की। गुरु हनुमान जी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि वो ऐसे शख्स हुए आज तक ना तो कोई पैदा हुआ ना आगे कोई पैदा होगा, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, हमेशा अपने बच्चों के लिए जो पहलवानी करते थे उनको सबको अपने बच्चे मानते थे। तो उनके अखाड़े में बड़े बड़े जैसे सतपाल है, पद्मश्री करतार जी है, और राजीव तोमर है, भगत पहलवान है, अनुज चौधरी है, सुजीत मान है, ऐसे अर्जुन अवार्डी ओलंपियन बहुत पैदा किए उनने, और सभी के सभी गरीब किसान परिवार से जो कि आज अच्छी अच्छी पोस्टेड पर है। तो उनका तो हमेशा कुश्ती के लिए योगदान हुआ, उनका एक ही सपना था कि कोई भी पहलवान, ये नहीं कि हनुमान अखाड़े का हो, चाहे वो सतपाल जी का हो, चाहे वो करतार जी का हो, चाहे हरियाणा पंजाब कहीं से हो, कि ओलंपिक से कोई ना कोई मेडल ले गए तब उनके आत्मा को शांति मिलेगी। ये वो मौका था जब हिंदुस्तान को कई कद्दावर पहलवान देने वाले गुरु गुरु हनुमान अखाड़ा खुद चलाते थे। उनकी विरासत के रूप में सामने आए राजीव के लिए भी ये अखाड़ा किसी आंगन से कम नहीं था, जहां वो खेला पला बढ़ा और पहलवानी के कई दांव पेच सीखे। जब मैं स्टार्टिंग में आया तो पहले तो मुझे बहुत गाली देते थे कि क्योंकि मैं बहुत कमजोर था, तो वो कहते थे कि ये नहीं पहलवान नहीं बन सकता। फिर उन्होंने मुझे एक साल बड़ा अखाड़े में सिखा, खूब डंडे पिटाई की, फिर मुझे गांव भेज दिया। फिर मैं एक साल गांव में रहकर दोबारा आया तो फिर दोबारा बोला बेटा अब तू पहलवान बनेगा। पता नहीं तब क्या भगवान की ऐसी में रही, उन्होंने मुझे फिर एक्सपेक्ट कर लिया, फिर मुझे खूब दाव वगैरह सिखाए, कुश्ती के बारे में बताई, और फिर आज मैं पहलवान हो गई। हालांकि आज गुरु हनुमान हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी उनके सिखाए दाव पेच आज भी राष्ट्र को सम्मानित करने के लिए राजीव में भरपूर दिखते हैं। गुरु हनुमान जी की अखाड़े में अगर मैं नहीं होता तो शायद मैं पहलवान भी नहीं होता, क्योंकि उनका आशीर्वाद ऐसा था कि जिसको भी उनका आशीर्वाद मिला है वो पहलवान बना है। उस अखाड़े में ऐसा वरदान है मिट्टी को कि ये तो नहीं कि सभी के सभी बड़े पहलवान बने, लेकिन अगर एक बड़ा पहलवान बनता है तो छोटे बनते हैं, तो उसमें कोई ना कोई हर आदमी को रोजगार मिला उस अखाड़े से। 18 साल के अपने लंबे करियर में राजीव के नाम कई खिताब दर्ज हैं। उन्होंने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी खुद को कई मर्तबा साबित किया। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप लड़ा हूँ, उसमें मेरी अमेरिका में तो वहाँ सातवीं पोजीशन थी। फिर मुझे कॉमनवेल्थ में गोल्ड मिला, एक सिल्वर मिला, और एक वर्ल्ड तख्ती कप होता है जो कि उसमें मुझे सिल्वर मेडल मिला है। आज तक किसी भी पहलवान का वर्ल्ड तख्ती कप में सिल्वर मेडल नहीं आया इंडिया से, तो फ्री स्टाइल में मेरा ही सिल्वर मेडल आ जाए, तो बाहर अच्छी परफॉर्मेंस रही है। जितनी बार भी मुझे मौका मिला मैं अपने उसमें मकसद में कामयाब रहा हूँ, और अभी भी मुझे मौका मिला है ओलंपिक के लिए तो मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं मेडल लेकर आऊँ। मैं इंडिया में 32 बार हिंद केसरी, भारत केसरी, रुस्तम हिंद, राजीव गांधी गोल्ड कप जो कि देश के सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है वे जीत चुका हूँ। मैंने ऐसा भी भारत का कोई पहलवान नहीं छोड़ा जिसको नहीं रहा हो, और सभी टाइटल्स मेरे पास है। आज तक कोई भी पहलवान इतने टाइटल्स नहीं जीत चुका, और अभी तो मैं करंट में हूँ, भगवान ने साथ दिया और आगे जीतेंगे। मौका फिर खास रहा जब स्विट्जरलैंड में ओलंपिक क्वालिफाइंग के दौरान राजीव ने चार भारतीय पहलवानों के बीच इंग्लैंड, पोलैंड समेत बेलारूस के बलशाली पहलवानों को चित करते हुए 120 किलोग्राम भार वर्ग यानी हैवीवेट वर्ग में बीजिंग ओलंपिक्स के लिए दावेदारी पेश की। मैंने अभी स्विट्जरलैंड में जो फर्स्ट क्वालिफाई टूर्नामेंट हुआ है उसमें पार्टिसिपेट किया है, और मैंने जो पिछली वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट थे, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे, उनको हरा कर मैं क्वालिफाई किया। जो मेरी फाइनल बाउट थी वो 2004 ओलंपिक का चैंपियन था उससे मुझे लूज हो गया, तो वहाँ पे मेरी सेकंड पोजीशन आई है। अगर ये परफॉर्मेंस देखी जाए तो मैं ओलंपिक मेडल के लिए बहुत नज़दीक हूँ। अभी वैसे ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स में वो लड़ा, तो ये फर्स्ट ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स में जब ये गया वहाँ पर स्विट्जरलैंड में,
तो उसमें भी उसने पोलैंड का जो लड़का है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसका मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है शायद लेटेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप का। बेलारूस का पहलवान था उसका भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल है। तो उनने एक से एक बड़े अच्छे पहलवानों को और बड़े टफ कंपटीशन में हराया और वहाँ से भी वो सिल्वर मेडल जीत करके लाया। वहाँ पे पोलैंड का पहलवान था जो वर्ल्ड में सिल्वर मेडलिस्ट था, तो उससे मेरी बहुत अच्छी बाउट हुई। हमारे पीआर सोनी साहब हमारे कोच थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह वहाँ पे गाइड किया और उन्हीं की वजह से जैसे जैसे वो गाइड करते रहे समझाते रहे, क्योंकि एक दिमागी तौर पर तैयार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें पूरे कुश्ती जगत का हिंदुस्तान का सबका प्रेशर रहता है पहलवान के ऊपर, क्योंकि ये सबसे बड़ा गेम है ओलंपिक, तो इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात है और मेडल देश के लिए जितना भी उससे बड़ी बात है। राजीव का यहाँ तक का सफर आसान नहीं रहा, ऐसे में तमाम बुनियादी असुविधाओं और फिटनेस समस्याओं के बीच आखिरकार राजीव बीजिंग समर ओलंपिक्स का हिस्सा है। देखिए ये सब कागजों में होता है कि खेल मंत्रालय से आप पता कीजिएगा, हमारी डाइट बहुत अच्छी है, मेरे ख्याल 220 या 230 रुपए की डाइट है, तो यहाँ तक पहुँचने में मुश्किल से 30 रुपए की डाइट होती है। अब आप कभी खाने का टाइम पाइए, आप देखिए खुद कि कैसा खाना बनता है। पिछले ओलंपिक कैंप में मैं था तो उस टाइम एक महीने के लिए उन्होंने खाना दिया, बहुत अच्छा खाना था। अगर वही खाना अब सभी पहलवानों को मिले तो 2010 का जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स है, जो सरकार इतने पैसा खर्च कर रही है उसके ऊपर, अगर उसमें हम मेडल नहीं जीत पाएंगे तो हमारे ऊपर एक थोड़ा भद्दा लग जाएगा, दाग लग जाएगा। मैं 2000 में मेरे को चोट लगी थी जो कि मनाना भारत के टूर्नामेंट होता है, तो उस टाइम हम और पलविंदर चीमा बिल्कुल सेम बराबर के थे, तो अगर शायद मेरे चोट ना लगती तो कभी उसको मौका मिलता बाहर जाने का, कभी मुझे मौका मिलता जो कि पहले एथेंस था या मेलबोर्न में या एशियन दोहा में, तो कहीं भी कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था, ये नहीं कि चीमा ही जाएगा। उसके बाद मुझे 2002 में ऑपरेशन करा, 2003-2004 में 3 साल बिल्कुल चार पे बैठा। फिर एक हमारे परम मित्र हैं डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी जो कि होम्योपैथिक से है गोरखपुर से, उन्हीं की दवाई से उनके आशीर्वाद से मैं ठीक हुआ और आज उन्हीं की देना कि मैं यहाँ तक ओलंपिक तक पहुँचा हूँ। नहीं यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, अगर यहाँ डॉक्टर आहूजा जी है अगर उनको दिखाने ले जाते हैं तो वो गुस्सा करते हैं, बोला तुम्हारे साथ डॉक्टर है तो वो क्या करते हैं, बोला हम क्यों दिखाएं, क्योंकि इनको टीम के साथ लगा नहीं, तो ये लोग सोचते हैं कि हमें भी टीम में के लिए बाहर जाएंगे वीज़ा लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी थोड़ा गुस्से में रहते हैं। कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है, अब हम प्रैक्टिस करते हैं, हमें आराम के लिए रेस्ट के लिए लाइट चाहिए, यहाँ पे ना लाइट है, खाने के लिए यहाँ पे रोटी नहीं है, अच्छी सब्जी वगैरह नहीं, हम अपने घर से खुद पैसा खर्च करते हैं और खुद ही अपना खाना बनाते हैं खाते हैं। हालांकि इरादे मजबूत हैं, हौसले बुलंद हैं, लेकिन फिर भी मीडिया की बेरुखी की टीस छुपाए नहीं छिपती। देखो स्पॉन्सर भी हर आदमी अपना फायदा देखता है, जब मीडिया हमें बार बार कवरेज देगी, बार बार हमारे कंपटीशन दिखाएगी, तो स्पॉन्सर खुद ब खुद आएंगे, क्योंकि जो पैसा लगाएगा वो कुछ ना कुछ अपना एडवर्टाइजमेंट चाहेगा बदले में। उनको पता है स्पॉन्सर को कि कुश्ती को कोई लाइक नहीं करता, ठीक है गाँव देहात में जो मीडियम परिवार वो देखता कुश्ती, लेकिन शहरों में बच्चे आजकल WWE देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं और बहुत गेम है, लेकिन जो हमारा कुश्ती कबड्डी और प्राचीन खेल है वो हमारा बिल्कुल मिटता हो जा रहा है। ये तो ठीक है सब पहलवान में घर से खाते खाते यहाँ तक ही पहुँचे हैं, उस कुश्ती को स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन जब हमें सुविधा मिलेगी तो हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे, हमें और खुशी मिलेगी, क्योंकि इसलिए हमारी परफॉर्मेंस डाउन होती है कि हम मिट्टी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जो हमें पैसा मिलता है वो मिट्टी से मिलता है, हमारी तनख्वाह 10,000-15,000 इससे हमारा काम नहीं चलता डाइट का, तो गद्दे कंपटीशन गवर्नमेंट इतनी करा नहीं सकती, ना कराती उनकी पॉलिसी ऐसी है नहीं, तो जो बाहर से मेडल जीतते हैं तब इनाम मिलता है, उससे पहले हमें कोई इनाम नहीं मिलता और उससे पहले ज़रूरत पड़ती है, मेडल जीतने के बाद तो कोई ना कोई पैसा खुद दे देगा। अगर यही कंपटीशन ज़्यादा मिट्टी के बजाय गद्दे पर हो या गवर्नमेंट बाहर से, जैसे इनका टेस्ट मैच होता है वनडे मैच होता है, अगर हमारा 3 देशों का 4 देशों का 5 देशों का ऐसे ही कंपटीशन होने लगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में या अलग अलग स्टेट में, तो कुश्ती को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, स्पॉन्सर खुद ब खुद अपना पाएंगे। जब भी टीवी खोला जाता है तो हर जगह क्रिकेट की बॉल और गेंद और गिल्ली डंडे लिए हुए वो मैदान पिच सब चीज़ें टीवी में दिखाई देती हैं। अगर आप इसी तरह से क्रिकेट की तरह अगर कुश्ती को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप दिखाएंगे, अब जैसे लड़के ओलंपिक में जा रहे हैं, इनके फैमिली बैकग्राउंड, ये कहाँ से उठ कर के आए, क्या क्या इनकी क्वालिटी है, ये कहाँ तक पहुँचे, आज इस अखाड़े में जैसे ये रह रहे हैं क्या इनकी सुविधाएँ हैं, उसके बावजूद ये कितने दमखम कड़ी मेहनत और लगन के साथ, इनका एक ही ध्येय एक उद्देश्य है
कि हमें फैसिलिटीज़ों को नहीं देखना है कि क्या फैसिलिटी है, उनका एक ही एम है कि हमें मेडल जीतना है, इस देश के लिए मेडल जीतना है। और मीडिया इसको मैक्सिमम दिखाए, और जितना मीडिया इनको मैक्सिमम दिखाएगी तो स्पॉन्सर भी दौड़े चले आएंगे। जी सरकार को जैसा गांव में खड़े हैं, हमारे गांव में भी 3 खड़े हैं जी, गवर्नमेंट का उसमें कोई भी लेन देन नहीं है, गांव वाले ही चंदा कर लेते हैं, गांव वाले उनको डरते हैं, जबकि 7 इंटरनेशनल पहलवान मेरे गांव के हैं जी, 7 इंटरनेशनल, शायद ही किसी गांव में होंगे, 2 रुस्तम। राजीव मिशन है जिसे पूरा करने में पिता का भी भरपूर सहयोग मिला। राजीव थोड़ा नटखट सा लड़का था, 3 भाई हैं ये, तो मैंने सोचा ये दिलेर भी है तो इसको कुश्ती में डाल दूँ। 1962 में भर्ती हो गया, तो मैंने गुरुजी का नाम बड़ा सुन रखा था, गुरुजी का बहुत नाम था हमारे गुरुजी का, इसके अखाड़े में पहलवान सतपाल, सुभाष और जी सूरज भान, ये बड़े बड़े पहलवान थे जो दंगल होते थे, हम दंगल देखते थे जी, मुझे उन्हें देख के एक प्रेरणा मिली कि मैं अपने लड़के को भी पहलवान बनाऊँ। तो मैं राजीव की तरफ ध्यान दिया, पहले मैं कहे थोड़ा जांगिया वांगिया करना सीख जाए, तो गांव के अखाड़े में छोड़ दिया। गांव के अखाड़े में छोड़ने के बाद मुझे 2 साल बाद गुरुजी के चरणों में डाल दिया। गुरुजी ने देखते ही कहा शाम तेरे लड़के को पहलवान बनाऊंगा मैं, तो गुरुजी ने मुझे प्रेरणा दी जी। दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर राजीव के पिता श्याम सिंह तोमर ने राजीव की जरूरतों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मैं शुरू से उसको 500 बादाम, जब वो बच्चा था 200 से फिर 300, मैंने 500 बादाम की गिरी उसके लिए घोटती हैं जी। मैं खुद बादाम घोटता था, कुंडी छोटा अपना ले गया, सुबह बादाम घोटता था, फिर सर्दी हुई तो उसका हलवा बनाता था बेसन का, उसके बाद में पहले जूस पिलाता था, फिर बादाम पिलाए, फिर हलवा खिला दिया, फिर दोपहर को सब्जी और दूध। तो डाइट तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा डाइट देनी चाहता था जी, मैं ज़्यादा घी खाए, ज़्यादा बादाम खाए तो ज़्यादा ताकत आ जाएगी। चीफ कोच पीएस सोंधी की माने तो उधर राजीव भी अपने साथ संजोए गए सुनहरे सपनों को साकार करने की मुहिम में जुटा है। देखो राजीव कुमार इंडिया का बेस्ट पहलवान है इस वेली, सुपर हैवी क्लास का, एक इसके मुकाबले में जैसे पुलविंदर चीमा था तो उसको इसने हरा लिया, एक कंपटीशन हुआ था, और दूसरे ट्रायलों में वो हाजिर हो नहीं सका, और तीसरी बात ये जाकर क्वालिफाई कराया, और वी कैन से बेस्ट ऑफ इंडिया। तो बाकी दुनिया आपने तो देखी है, दुनिया बहुत बड़ी है और तकड़ी भी बहुत है, वी विल ट्राई दैट अवर राजीव शुड डू समथिंग, ये हमारी मनोकामना भी है और हमारी हम मेहनत भी कराएंगे, जोर से कराएंगे, तगड़े होकर कराएंगे, ताकि हमारे लड़के बीजन ओलंपिक में भारत के लिए कुछ कर दें। तो मैं ये मानता हूँ कि राजीव तोमर जो है वो अभी जो भारत के हैवी वेटों में बहुत बेस्ट है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी कामयाब होगा, क्योंकि जो पिछले कई साल से करीबन 6-7 साल से उसने इस वेट पे कब्जा किया हुआ है और एक्सपीरियंस भी काफ़ी हो गया है, तो मैं ये मानता हूँ कि उसका भी परफॉर्मेंस अच्छी आनी चाहिए, और रिजल्ट जहाँ तक बाकी डिपेंड करता है, मैंने बताया क्योंकि हैवी वेट में दो, आपको मैं बता दूँ कि हैवी वेट में कई बार ऐसा होता है कि बहुत टफ कंपटीशन होता है, और कई बार ऐसे चांस की बात होती है कि अच्छे नहीं मिलते आपको, तो दोनों एडवांटेज हो सकते हैं, हालांकि वहाँ तो सारे क्वालिफाई रहे, 20 पहलवान होंगे एक वजन में, तो वो 20 के 20 क्वालिफाई करके गए, तो वहाँ वो ऐसा नहीं होगा कि कोई रूई मिल जाए, तो तैयारी तो आपको और सबको हरा के अगर जीतना है तो सबको हरा के जीतना पड़ेगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि राजीव तोमर अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने खेल से प्रभावित कर चुके राजीव तोमर ने संजोया है एक और सपना, सपना बीजिंग से सोना लाने का। मैं तो पक्की उम्मीद है कि कोई न कोई नंबर उसका जरूर आएगा, मेडल हर हालत में आएगा, कभी कुश्ती लड़ने से डरता नहीं, घबराता नहीं, पीछे नहीं हटता, दिलेर है कुश्ती लड़ने में और बहुत अच्छा लड़ता है, और पूरी उम्मीद के साथ पूरी कसरत करेगा जी, खाएगा भी खूब, तो हमें तो भगवान की दुआ है, गुरु जी की प्रेरणा से मेडल तो जरूर आना उसका। हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि वो ओलंपिक से कोई ना कोई मेडल लेकर आएगा और पूरे गांव की, पूरे परिवार की, पूरे देश की शान बढ़ाएगा। मैं हूं राजीव तोमर, इंडियन रेसलर, रुस्तम एंड। इस बार बीजिंग ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए मैंने 5 देशों के बड़े बड़े पहलवानों को हराया।
बीजिंग ओलंपिक से देश के लिए मेडल लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। देखिए मुझे लाइव बीजिंग ओलंपिक में सिर्फ दूरदर्शन पर। रिंग में कोई दोस्त नहीं होता, कोई जज्बात नहीं होते, होता है तो बस देश के लिए जीतने का जुनून। मैं हूं जितेंद्र कुमार, इंडियन बॉक्सर। देखिए मुझे बीजिंग ओलंपिक में सिर्फ दूरदर्शन पर। Hi, I'm Neha Agarwal and I'm an Indian table tennis player. In Hong Kong, I defeated Malaysia and I qualified for Beijing Olympics. Watch me live from Beijing Olympics only on Doordarshan. मैं हूं योगेश्वर, इंडियन रेसलर। इस बार एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर मैंने बीजिंग ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और इस बार मैं तैयारी कर रहा हूं बीजिंग ओलंपिक से गोल्ड मेडल आने की। देखिए मुझे लाइव बीजिंग ओलंपिक में सिर्फ दूरदर्शन पे। उम्मीदों की फेहरिस्त में अगला नाम सुशील। मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और 66 केजी में मैंने बीजिंग ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। 66 किलोग्राम वर्ग में क्वालिफाई करने वाले सुशील की आंखों में नूर है। वह रोज सुबह 5 बजे उठता है, अखाड़े जाता है, जोर आजमाइश करता है अपने साथियों के साथ। वो कहता है कि अपना सब कुछ झोंक देगा लेकिन पदक जरूर लाएगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि अपने देश के लिए मेडल जीतूं और हमारे कोच साहब हैं जो रामफल कोच साहब, यशवी कोच साहब हमारी अच्छी मेहनत करा रहे हैं। सुबह शाम कभी कई बार तो दोपहर में भी ट्रेनिंग कराते हैं वो, जिस दिन मौसम ठीक होता है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगे तो रिकवरी इतनी हो नहीं पाती, पसीना ज़्यादा निकल जाता है। तो अब उनको देख कर हमारी ट्रेनिंग कर रही हैं, जो जिन पहलवानों से कुश्ती होनी है उनको दिखाकर, उनकी सीढ़ियाँ दिखाकर हमें कि भाई ये यहाँ लगता है, ये यहाँ पर यहाँ अटैक लगाता है, यहाँ से डिफेंस करना है, तो उन्हीं को ध्यान पर रख के हमारी ट्रेनिंग चल रही है। बहुत चीज़ें हैं और कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा उसको हाईलाइट में करें, क्योंकि वो कई चीज़ें हम इसकी पर्दे में करवा रहे हैं कि जो दूसरे देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उन सब की जो सीढ़ीज हैं कुश्ती की, वो सब इनको हम स्लो मोशन में देख के और उनकी कमियां खोज रहे हैं कि उनको कहां से हम अटैक करें, कहां से डिफेंस करें, तो वो सारी तैयारियां हम करवा रहे हैं। तैयारी अच्छी चल रही है, जैसे अब फिलहाल जो पटियाला कैंप लगा हुआ है उसमें हमारे यहां के कोच भी यशवीर सिंह जी और सोंदी कोच साहब और एक विदेशी कोच भी हैं, 3 पहलवान हैं ये जिन्होंने ओलंपिक क्वालिफाई किया है, राजीव तोमर, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार। तो पूरी तैयारी इनकी चली हुई है, बस थोड़ा सा हमारी तरफ से प्रयास होगा कि क्योंकि अब आप मानते हैं कि 2 महीने रह गए, तो हम थोड़ा सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट से हट कर के थोड़ा इनकी डाइट के ऊपर ध्यान दें। बाकी टेक्निक और टैक्टिक्स में तो ये अभी पूरे हैं, इनका तजर्बा भी पूरा है, बहुत टूर इन्होंने बाहर के लगा ली हैं, तो उस चीज़ की तरफ से बस थोड़ा जो हमें शिकायत रहती है खाने की, तो हम सोचते हैं कि खाने को हम अपने लेवल पर ही उसमें सुधार लाएँ और हम खुद अपना खाना बनाने वाला वहाँ ले जाएंगे और अपना सामान, जैसा कि हम आटा खाते हैं या जो सब्जी ये पसंद की खाते हैं, या वो मतलब खुद हम प्रिपेयर करके और खुद हम देंगे। सुशील वो जांबाज भारतीय पहलवान है जिसने दूसरी बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया।
बीजिंग ओलंपिक क्वालीफाई के लिए अजरबैजान में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, उसमें एशिया से हमने दो ही पहलवानों ने क्वालीफाई किया था, मंगोलिया और इंडिया ने, और यूरोप स्पेन और रियल देशों के थे। तो वहाँ पहले तो मेरी कुश्ती हुई लुफ्तानिया के पहलवान से, उसको भी मैंने हराया, और कजाकिस्तान के पहलवान को हराया, फिर जो कोरिया का पहलवान था एशिया चैंपियन उसको जीत करके क्वालीफाई किया। सबसे ज़्यादा मज़ा आया कोरिया के पहलवान को हरा के, क्योंकि वो चैंपियन था, एक चैंपियन को हरा के जब आप एक स्टैंड पे खड़े होते हो तो बहुत ये होता है कि यहाँ भी मेरी परफॉर्मेंस आ रही है। बीजिंग ओलंपिक क्वालीफाई करने के लिए जो वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबला हुआ था, उसमें इसका मेन मुकाबला जो है लास्ट ईयर के एशिया चैंपियन कोरिया के पहलवान से हुआ, जो कि इसने उसको अच्छी तरह अच्छी लीड से हराया। क्वालिफाइंग राउंड में भारतीय पहलवानों द्वारा की गई जोर आजमाइश पदक की उम्मीदों को पुख्ता करती है। अब तो ये अपने मन लगा लो कि अब तो ये जीवन मरण का सवाल है, देश के लिए हम कर रहे हैं, अब हम ये चाहते हैं कि देश के लिए अगर पहला पदक मिले तो वो छत्रसाल स्टेडियम के पहलवान को मिले, जिससे देश का नाम हमारा नाम ऊंचा हो, तो हम उसी की तैयारी के लिए लग रहे हैं। पिछले 2-3 महीने से हमें पीछे कैंप भी लगा था, हमारा पटियाला में लगा था, यहाँ पर भी हम कोशिश कर रहे हैं अगर उसको बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस दी जाए, जिससे वो अच्छी परफॉर्म करे, और ये फिलहाल फिट हैं तो हम यही कोशिश करते हैं इसको बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग दी जाए। मकसद तो मेडल जीतने का है, उस मेडल हासिल करने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनकी मेहनत कराना, और मेहनत अकल से कराना। रशिया, कजाकिस्तान और ईरान सरीखे पहलवानों को हराना अपने आप में गौरव की बात है, लिहाजा बीजिंग ओलंपिक्स में भी इस प्रदर्शन से मानसिक लाभ मिलने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। क्वालिफाई राउंड में मैंने लुफ्तानिया के पहलवान से और कजाकिस्तान के पहलवान से और फिर कोरिया के पहलवान को जीत करके फिर क्वालिफाई हुआ। सुशील की क्षमताओं का अंदाजा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते साल हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो एशिया के उन दो पहलवानों में से एक था जिसने बीजिंग ओलंपिक्स के लिए अपनी जगह पक्की की। सुशील जो है वो अटैकिंग पहलवान है, ये अपने विरोधी पहलवान को मौका ही नहीं देता कि वो इसके ऊपर अटैक करे, इतने ज़्यादा अटैक करता है ये कि अगले को संभलने ही नहीं देता। तो ज़्यादातर जितने भी पहलवान हैं वो उनकी राय भी यही है कि जो सुशील है वो तेज लड़ने वाला और अटैक करने वाला पहलवान है। एक लड़का हमारा सुशील कुमार है, उसमें जान बहुत बढ़िया है, अटैकिंग पावर उसमें बहुत अच्छी है और डिफेंसिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एक मेन उसकी डिफीट का कई बार कारण बनता है। वो हमारा जो अब ज़्यादा समय लगेगा उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए और बीजिंग ओलंपिक के लिए वो एक हमारा मेन जो नंबर एक पे जिस पे ज़्यादा हमें आस की जा सकती है वो उसी पे है, उसका हम ज़्यादा जोर उस पर लगाकर नंबर एक पे हम उसको रखेंगे, क्योंकि उस पर ज़्यादा आस है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। हमारे इस पहलवान में सबसे बड़ी जो खासियत है वो आक्रमण की है, और आक्रमण में ही हम होश को जोड़ रहे हैं इसके साथ, अगर जिससे जोश के साथ साथ होश भी रहे, अगर भाई कोई गलती ना हो जाए बाई चांस, तो उसी में हम तैयारी में लगे। टेक्निक और टैक्टिक्स में कोई कम नहीं है, दम में हमारे पहलवान कम नहीं है, तो दम में हमारे तीन, अगर कोई भी राउंड पहलवान हमारे जो राउंड तीन राउंड चलता है तो हमारा पहलवान के 99% जीतने के चांसेस होते हैं। उधर 1982 के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महाबली सतपाल को भी विश्वास है कि सुशील में है कुछ खास। इसकी परफॉर्मेंस पिछले एशियाड में कॉमनवेल्थ गेम्स में तो अच्छी है, मेडल है इसके, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज तीनों मेडल हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि पिछले ओलंपिक में भी ये गया था, इसका वो भी एक्सपीरियंस है और उसमें इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। हालांकि ये जो गोल्ड मेडल जीता था उससे एक पॉइंट से हार गया था, लेकिन एक पॉइंट से हारना ही ये दर्शाता है कि ये गोल्ड मेडल के नज़दीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो तैयारी जो बेस हमने इसका बनाया है, सुशील की जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका अटैक और डिफेंस वो दोनों ही बेहतरीन है, जो कि पहलवानों में बहुत कम मिलते हैं। तो इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये डिफेंस बहुत अच्छा करता है, डिफेंस करके जो अटैक करना होता है वो बहुत अच्छा करता है।
1998 से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना दावा पेश करने वाले सुशील ने अब तक लगभग 35 से 40 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में शिरकत की है। 98 में मैं मैनचेस्टर इंग्लैंड में इंटरनेशनल हुआ था जूनियर में, तो वहाँ मैं वर्ल्ड चैंपियन बनाया था। दो बार का जो पुराना वर्ल्ड चैंपियन था पोलैंड का पहलवान, उसको मैंने हराया था। वो अपने इंडिया में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी जिसमें अनिल मान, रमेश बूरा ये गोल्ड जीता था इन्होंने, स्थान में इनको ट्रैक्टर मिला था अनिल मान को, तो वो यहाँ भी चैंपियन था। उससे पहले पोलैंड वाला पहलवान ईरान में भी चैंपियन था, उसको मैंने वहाँ, हमारे यशवीर कोच साहब हमारे टीम के साथ थे, चीफ कोच थे उधर जूनियर के, तो ये हमारे साथ गए थे इंग्लैंड मैनचेस्टर में। वहाँ मैंने पहली बार इंटरनेशनल टूर्नामेंट में वर्ल्ड चैंपियन बनाया। नंबरों का खेल बन चुकी कुश्ती में आंकड़ों पर कैसे पकड़ बनाई जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए अब तकनीक की मदद ली जा रही है। जो कुश्ती अभी एक तो इतनी प्रफुल्लित हो गई सभी कंट्रियों में, जैसे अभी हम लास्ट में गए थे 57 कंट्री आए थे और कोई कुश्ती मैंने चेत हुई नहीं देखी, और स्टैंडर्ड इतना है। और अब ज़्यादा रह गया कैलकुलेट कुश्ती करने का, आपकी कुश्ती जो कैलकुलेटेड कुश्ती करके निकालनी है जीतने की, क्योंकि कई बार कुश्ती में क्या होता, एक पॉइंट मैंने ले लिया पहला और अगर दूसरा उसने ले लिया, चाहे उसने बाद में लिया वो जीत गया। तो ये पहलवान ने कुश्ती जब पॉइंट स्कोर करना है, उसने स्कोर को कंट्रोल में कैसे रखना है, ये बातें बहुत ज़रूरी हैं साइकोलॉजिकली और मेंटली टफ करने के लिए, और दिमागी जो ज़रूरतें इनको हैं उनके उन 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 पे एक्सपर्ट करने के लिए हमारा जोर लगे। ऐसे में ये उस दौर की लड़ाई है जब 56 साल बाद उम्मीदें फिर जमा हैं। इस आस में कि शायद ये बुलंद इरादों वाले खिलाड़ी दे सकें इतिहास के पन्नों में दस्तक, एक वो दस्तक जो सुनहरी हो।